ट्विटर के माध्यम से। तो आप लगातार सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि गुजरात में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का जो सफर है वो तय कर रहे हैं। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, लोगों की जो शुभकामनाएं हैं स्वीकार कर रहे हैं। तो यही प्रयास किए जा रहे हैं कि हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री का राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम तक का कुछ ही देर बाद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, उसका उद्घाटन करेंगे और मकसद यही है कि खेल के प्रति युवाओं को, लोगों को आकर्षित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और सिर्फ खेल ही नहीं, जो युवा की संख्या है वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार और सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए लोग मौजूद हैं। लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। जो फूलों की वर्षा लगा, आप देख रहे हैं कि फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है ताकि वो अपने अपने जो चहेते प्रधानमंत्री है उनका स्वागत कर सके, उनका सम्मान कर सके। और प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लगातार लोगों का अभिवादन करें। तो ये जोश, ये उत्साह देखने को जो मिल रहा है, सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, फूलों से वर्षा की जा रही है। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन करेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें गुजरात से देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उतरे हुए हैं और कुछ ही देर बाद जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो दो दिवसीय दौरा जो है प्रधानमंत्री का, ये जो सफर है राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का सफर है जो प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और आपसे कुछ ही देर बाद खेल महाकुंभ का उद्घाटन होगा। और खेल महाकुंभ का मतलब यही है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए, लोगों को फिटनेस के प्रति आकर्षित किया जाए ताकि एक स्वस्थ भारत, एक मजबूत भारत। आप सीधे ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री लगातार जो सरदार पटेल, जो राजभवन से सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का जो सफर है वो तय कर रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में, देखिए ढोल नगाड़े लेकर भी लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सड़क के किनारे जो खड़े लोग हैं वो काफी देर से खड़े अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और अब जब प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचे हैं तो वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। तो ये गजब का उत्साह आप देख सकते हैं। और महिलाओं की भूमिका, युवाओं की भूमिका, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों के हाथ में पुष्प मालाएं हैं, गुलाब की पंखुड़ियां हैं। तो जो प्रधानमंत्री और एक गजब का उत्साह लोगों में, एक जोश अपने प्रधानमंत्री को लेकर कि उनके बीच से जब गुजर रहे हैं तो लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर। प्रधानमंत्री भी गाड़ी के अंदर से लगातार हाथ हिलाकर लोगों का जो अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का जो हौसला है वो बढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग, सबके हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां हैं, गुलाब के फूल हैं जो उनके प्रधानमंत्री के ऊपर उनके स्वागत के लिए हैं, पुष्प मालाएं हैं। तो ये राजभवन से लेकर सरदार पटेल स्टेडियम के बीच का जो सफर है उसके दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। वो बस एक नजर अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, उनके स्वागत के लिए उमड़े हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच जब पहुंचेंगे तो फूल मालाओं से, पुष्प गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे।